बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं बेटा? आपका कोर्स लीनियर अलजेब्रा हमारा लेक्चर नंबर 2। आज हम बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स के मुतालिक। तो बेटा डिटरमिनेंट्स को जाहिर बात है डिस्कस करने से पहले हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी है। देखिए डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या हैं। सबसे पहले नंबर पर हमें कहता है कि अगर कोई एक डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट के अंदर दो रोज या दो कॉलम एक जैसे आ जाएँ तो वो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। समझ आई? कैसे? ये देखें, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, ये आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। हमें कहता है आपने इस डिटरमिनेंट को अवेल्युएट करना है। तो बेटा इस डिटरमिनेंट को अवेल्युएट करने से पहले आपने ये देखना है कि इसमें दो रोज आपको एक जैसी नजर आ रही है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसका मतलब है ये दो रोज आइडेंटिकल है। इसको आप क्या कहेंगे? आइडेंटिकल कहेंगे। अगर दो रोज आइडेंटिकल हो जाएं तो उस डिटरमिनेंट को ओपन करने की जरूरत नहीं है, उस डिटरमिनेंट को आप डायरेक्ट क्या कर देंगे? जीरो के बराबर कर देंगे। दूसरे नंबर पे हमारी एक और प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, कि अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर पूरी की पूरी एक रो या पूरा का पूरा एक कॉलम जीरो के इक्वल आ जाए तो उस डिटरमिनेंट को भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, वो डिटरमिनेंट भी आपका डायरेक्ट जीरो के बराबर हो जाएगा। कैसे? लेट्स से 1, 2, 3, 0, 0, 0, 3, 1, 2। देखें ये आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। इस डिटरमिनेंट के अंदर देखें पूरी की पूरी एक रो जीरो के बराबर है। तो जीरो के बराबर है तो जब आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे, तो इससे ऑटोमेटिकली जीरो आना है। तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये डिटरमिनेंट किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। समझ आई? अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई से दो रोज को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर आपको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या अगर आप किसी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर आपको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यह बात ध्यान में रखिएगा, जितनी दफा आप रोज और कॉलम को रोज को इंटरचेंज करेंगे या जितनी दफा आप कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो उतने ही आपको नेगेटिव साइन बाहर लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक डिटरमिनेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और मैं चाहता हूं रो 1 और 2 को इंटरचेंज करना चाह रहा हूं, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे रो 1, 2। रो 1, 2 का मतलब है रो 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। तो बाहर आप नेगेटिव साइन लगाएंगे और अंदर रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दें, तो रो 2 जो है वो रो 1 की जगह चली जाएगी, जो रो 1 है वो रो 2 की जगह आ जाएगी, बाकी 7, 8, 9 अपनी जगह पड़ा हुआ है। क्लियर? समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज ले लें फिर क्या होगा? क्या फिर भी आपको नेगेटिव साइन लगाने पड़ेंगे? नहीं, अगर आप किसी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो आपको बाहर कोई माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो जो रो इंटरचेंज हो रही होती है कॉलम्स के साथ, तो दोनों का नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो रहा होता है। तो लिहाजा हमें यह पता लग गया कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज लेंगे तो आपको बाहर नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि कोई एक डिटरमिनेंट है उसकी किसी रो के अंदर कोई चीज कॉमन आ रही है, पहली रो है या दूसरी है या तीसरी है, कोई भी चीज अगर कॉमन आ रही है तो बेटा कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। उसको कॉमन लेने के लिए यह जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे डिटरमिनेंट के अंदर वो नंबर पड़ा हो तो तब आप कॉमन लेंगे, वो सिर्फ मैट्रिसेस में होता है, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 2, 4, 6, 8, 10, 16 और 4, 8 एंड 6 है, ये आपके पास एक डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट में देखें पहली रो में 2 कॉमन आ रहा है, वैसे तो पूरे के पूरे डिटरमिनेंट 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन अगर ये होता मैट्रिक्स फिर तो मैं एट अ टाइम 2 कॉमन ले लेता, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट है तो आपको हर रो में से 2 अलहदा अलहदा कॉमन लेना पड़ेगा। देखें 2 आपको फर्स्ट रो में से निकालना पड़ेगा, 2 आपको सेकंड रो में से अलहदा निकालना पड़ेगा, 2 आपको थर्ड रो में से अलहदा निकालना पड़ेगा, यहां बच जाएगा 1, 2, 3, यहां आ जाएगा 4, 5 एंड 8, यहां आ जाएगा 2, 4 एंड 3। समझ आ गई बच्चों?
तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर किसी रो या किसी कॉलम में कोई नंबर कॉमन आ रहा है, किसी एक में भी कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कर सकते लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कॉलम्स के अंदर सम आ जाए, लेट्स से ए प्लस बी, सी प्लस डी और ई प्लस एफ, ई प्लस एफ और जी प्लस एच, लेट्स से ये आपके पास एक डिटरमिनेंट आ गया, उस डिटरमिनेंट के अंदर क्या हो गया कि दो कॉलम्स हैं और दो कॉलम्स के दरमियान एडिशन आ गया है, तो इसको आप कैसे डिस्कस करेंगे? देखिए बेटा, आप तोड़ दो, आप इसको कैसे तोड़ोगे? आप इसको इस तरह से तोड़ोगे, ए प्लस बी, ई प्लस एफ, आप इस दोनों को इसके साथ अलहदा कर लो, सी जी के साथ, प्लस ए प्लस बी और ई प्लस एफ डी और एच के साथ अलहदा कर दो। अब इसको मजीद तोड़ो, ए और ई को सी और जी के साथ अलहदा, प्लस बी एफ को सी जी के साथ अलहदा, प्लस ए ई को डी बी के साथ अलहदा, प्लस बी एफ को डी बी के साथ अलहदा कर दो। ये बच्चों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर डिटरमिनेंट को खोलना सीखते हैं कि डिटरमिनेंट को हम खोलते कैसे हैं। लेट्स से बेटा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, 1 2 3 3 1 0 1 4 2, हमें कहता है आपने इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। इस डिटरमिनेंट को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, वन को रखें बाहर, ये रो और कॉलम देखें, ये रो और कॉलम खत्म, 1042 आ गया, माइनस इस 3 को रखें बाहर, ये रो और कॉलम खत्म, 2342 आ गया, प्लस इस 1 को रखें बाहर, ये रो और कॉलम खत्म हो गया, 23 और 10 आ गया। इसे हम एक्सपेंड करते हैं मजीद, 1 × 1 × 2 2, 4 × 0 0, माइनस 3 × 2 × 2 4, 4 × 3 12, प्लस 1 × 2 × 0 0, 3 × 1 = 3 हो गया। अब ये 2 आ गया, माइनस 3 आ गया, 4 − 12 माइनस 8 होता है, और 1 × −3 माइनस 3 आ गया, तो बेटा 2 प्लस ये 24 हो गया, माइनस 3 हो गया, तो 24 और 2 26, 26 में से 3 माइनस करें तो ये आपका 23 आ गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि मजीद इस डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को एवेलुएट करते हैं। जी बच्चों, हम लोग डिटरमिनेंट्स की बात कर रहे थे, 3 रोज और 3 कॉलम का डिटरमिनेंट खोलना हम लोगों ने सीखा। अब बेटा हम आ रहे हैं 4 रोज, अगर 4 कॉलम्स हों और इसका डिटरमिनेंट अगर आपने ओपन करना हो तो हम इसका डिटरमिनेंट किस तरह से ओपन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर हम इसको उसी मेथड से ओपन करेंगे तो ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, हम इसको शॉर्टकट यूज करते हैं। मेथड वही होगा, खोलने का ओपन करने का पैटर्न भी वही होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर आप यहां पे 1 बना लो और उस 1 के नीचे 0 बना लो तो आपका काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। अब 1 बनाने के लिए एक काम करो, ये 3 है, ये 1 कब बनेगा, या तो 2 ऑप्शन है, इस 1 को उठा के आप यहां ले जाओ, ठीक है, 1 को यहां ले जाने के लिए ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट आप रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर देंगे, नहीं, मैट्रिसेस में ऐसा होता है, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। तो डिटरमिनेंट में आपको पहले 1 यहां लाना पड़ेगा, फिर इसको इधर लाना पड़ेगा। चले हम यही काम कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, मैं यहां लिखता हूं ऑपरेशन रो 2 और 3, रो 2 3 का मतलब है रो 2 और रो 3 को आप इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जब आप रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो बाहर आपको एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो देखें 3 4 2 7, ये दोनों इंटरचेंज हो गई, 1 2 − 3 5 2 5 0 3 4 1 − 2 and 6 आ गया। अब आपका 1 रो 2 में आ गया, तो रो 1 और 2 को इंटरचेंज कर दें तो बाहर आपको एक और नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ये मैंने रो 1 2 लिख दिया, तो जो रो 2 है रो 1 बन जाएगी और रो 1 जो है वो रो 2 बन जाएगी, −3 5 3 4 2 7 आ गया, 2 5 0 3 4 1 − 2 6 आ गया। तो बेटा ये आपका माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हमारे पास बना 1 2 − 3 5 3 4 2 7 2 5
0, 3, 4, 1, माइनस 2, 6. एक काम करें, इस 1 को यूज करके आप इन सब को 0 बना दो. कैसे? देखिए, रो 1 को कुछ भी नहीं कहेंगे हम. इस 1 को यूज करके 3 को 0 बना दें. ये 3 कब 0 होगा? ये 3 उस वक्त 0 होगा जब आप इसके अंदर माइनस 3 ऐड करेंगे. और माइनस 3 कैसे ऐड करेंगे? आप रो 1 से बदल लें. रो 1 को आप माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें और रो 2 में ऐड कर दें. लिखेंगे कैसे? तब्दीली किस में ला रहे हैं? रो 2 में ला रहे हैं. जिस रो में तब्दीली ला रहे होते हैं उसको ऑपरेशन में पहले लिखते हैं. तो यहां मैं लिखूंगा रो 2 में ऐड करना है माइनस 3 से रो 1 को मल्टीप्लाई करके. तो चलें, माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, रो 2 में ऐड किया, माइनस 3 प्लस 3 0. माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 6, 4 में ऐड करें माइनस 2. माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 9 प्लस 2 11. माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 15, माइनस 15 में 7 ऐड करें तो माइनस 8 होता है. अब इस 2 को आपने 0 बनाना है तो रो 3 में ऐड करें माइनस 2 से रो 1 को मल्टीप्लाई करके. तो इसको आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड करें. ये देखें, माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2, प्लस 2 में ऐड करें 0. माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 4, 5 में ऐड करें 1. माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 प्लस 0 6. माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 10, प्लस 3 में ऐड करें माइनस 7 हो गया. क्लियर? समझ आ रही है बात आप लोगों को? चले नेक्स्ट देखें. इस 4 को हमने 0 बनाना है तो रो 4 में ऐड करें माइनस 4 से रो 1 को मल्टीप्लाई करके. तो बेटा माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस 4, प्लस 4 0. माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस 8, प्लस 1 माइनस 7. माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 माइनस 2 10 आ गया. माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस 20, प्लस 6 माइनस में 14 आ गया. तो बेटा ये हमने कॉलम 1 में 100 फॉर्म बना ली. तो 100 फॉर्म बनाने का हमें फायदा क्या हुआ? जरा डिटरमिनेंट आप ओपन करें, इस 1 को बाहर रखें, ये रो और ये कॉलम खत्म. माइनस 2 11, माइनस 8 1 6, माइनस 7, माइनस 7 10, माइनस 14. माइनस इस 0 को बाहर रखें, ये रो और कॉलम खत्म. 2 माइनस 3 5 1 6, माइनस 7, माइनस 7 10, माइनस 14. प्लस इस 0 को बाहर रखें, ये रो और कॉलम खत्म. 2 माइनस 3 5, माइनस 2 11, माइनस 8, माइनस 7 10, माइनस 14. प्लस प्लस माइनस प्लस ये माइनस आ जाएगा. इस 0 को बाहर रखें तो ये रो और कॉलम खत्म. 2 माइनस 3 5, माइनस 2 11, माइनस 8 1 6, माइनस 7. तो हमें फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ बच्चों, 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म, 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म. अगर आप 100 फॉर्म ना बनाते आपको ये डिटरमिनेंट भी ओपन करना पड़ता, ये भी ओपन करना पड़ता, ये भी ओपन करना पड़ता और ये भी ओपन करना पड़ता, आपका काम काफी ज्यादा लेंथी हो जाता. चले अब ये सारे 0 हो गए तो बच गया आपके पास सिर्फ ये डिटरमिनेंट माइनस 2 11, माइनस 8 1 6, माइनस 7, माइनस 7 10 एंड माइनस 14. ये बच्चों अभी हमने डिटरमिनेंट ओपन किया था, मैं इसको थोड़ा सा मजीद आपको ओपन कर देता हूं, बाकी आप इसको सिंप्लीफाई करते रहिएगा. ये देखें, माइनस 2 बाहर रखें, ये रो और कॉलम खत्म. 6 माइनस 7 10 माइनस 14. माइनस इस 1 को बाहर रखें, ये रो और कॉलम खत्म. 11 माइनस 8 10 माइनस 14. प्लस ये माइनस 7 बाहर रखें, हम यहां लिख लेते हैं माइनस 7 बाहर रख लें, ये रो और कॉलम खत्म. 11 माइनस 8 6 माइनस 7. बेटा आप इस डिटरमिनेंट को ओपन कर दें तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. समझ आ गई बच्चों? जी बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें कहता है ए, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है. वेयर ए इज सिंगुलर,
हमें कहता है ए जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो बेटा पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर हो उसको आप क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये उस समय एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें कहता है ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब यह हुआ अगर ये सिंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट आपको जीरो के बराबर गिवन है। आप इसका डिटरमिनेंट ओपन करो, 4 लैम्डा 3 7 3 6 2 3 1 का डिटरमिनेंट, इसको आप क्या करो, जीरो के बराबर रखो। अब डिटरमिनेंट ओपन करें, 4 को बाहर रखा, ये रो और ये कॉलम खत्म, 3 6 3 1 माइनस 7 को आप बाहर रखें तो ये 7 वाली रो और ये कॉलम खत्म, लैम्डा 3 3 1 प्लस इस 2 को बाहर रखें, ये रो और कॉलम खत्म, लैम्डा 3 3 6 और ये किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर चल रहा है। इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जा 3 माइनस 3 6 जा 18 माइनस 7 इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा 1 जा लैम्डा 3 3 जा 9 प्लस 2 इंटू लैम्डा इंटू 6 6 लैम्डा 3 इंटू 3 9 इक्वल टू 0 जी, 4 इंटू माइनस 15 आ गया माइनस 7 लैम्डा माइनस 9 प्लस 2 इंटू 6 लैम्डा माइनस 9 इक्वल टू 0। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 15 इंटू 4 माइनस 60 आ गया। यहां पे माइनस 7 को मल्टीप्लाई करें माइनस 7 लैम्डा से प्लस 7 इंटू 9 63 आ गया। ये देखें 15 फोजा माइनस 60 आ गया, माइनस 7 लैम्डा से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 7 माइनस 9 प्लस 63 हो गया। ये 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 6 लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो 12 लैम्डा हो गया, माइनस 2 9 जा 18 हो गया इक्वल टू 0। तो माइनस 7 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा तो ये 5 लैम्डा आ गया, 63 में से 60 गया 3, 3 में से 18 गया तो माइनस 15, 5 लैम्डा इज इक्वल टू 15 और लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। तो बेटा अगर हमें 4 रोज 4 कॉलम की शक्ल में भी दे देता और आपसे कहता कि लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है तो इससे पिछला जो सवाल हमने किया था 4 रोज 4 कॉलम वाला, तो आप उसमें 100 फॉर्म बना के डिटरमिनेंट ओपन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि लैम्डा की वैल्यू 1 निकले, अगर डिटरमिनेंट को इस तरह का है कि आप जब उसको ओपन करते हैं हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए लैम्डा की शक्ल में। अगर लैम्डा की शक्ल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाती है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन लगा के तो लैम्डा की दो वैल्यूज निकाल लेंगे तो वो लैम्डा की दो वैल्यूज आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ आ गई बच्चों, ये हमारा टॉपिक था डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के हवाले से चंद एक सवाल थे, क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया, इसको आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है। तो इसके साथ ही बेटा हमारा लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।